दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 में आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका हम सभी को इस हफ्ते काफी बेसब्री से इंतजार था। जी दोस्तों, बात की जा रही है वीकेंड के वाले एपिसोड की, जहां पर सलमान खान इस हफ्ते घर वालों की जमकर फटकार लगाते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों घर वालों ने इस हफ्ते भी गलतियां करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी है, जिसके चलते इस हफ्ते घर वालों की फटकार लगना बिल्कुल तय है। अब यहां पर बात की जाए शालिन बनोट की, जो कि अक्सर हर वीकेंड के वाले एपिसोड के दौरान सलमान खान के द्वारा बजाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ठीक वीकेंड के वाले एपिसोड से एक दिन पहले आपने भी नोटिस किया होगा कि शालिन भनोट घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर कर देते हैं जिसकी वजह से वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। बीते दिन भी घर के अंदर एक वाकया हुआ था, और इस दौरान जब घर के अंदर राशन और नॉमिनेशन का टास्क चल रहा था, तो शालिन भनोट ने प्रियंका के साथ ही झगड़ा कर लिया था। प्रियंका को अक्सर शालिन अपनी दोस्त कहता है, लेकिन प्रियंका के साथ झगड़े के दौरान शालिन भनोट ने प्रियंका का जो सामान का बॉक्स था उसी को उठाकर उसी के मुंह के सामने जोरदार तरीके से जमीन पर गिरा दिया, और शालिन भनोट की इसी हरकत की वजह से आज सलमान खान का गुस्सा बुरी तरीके से और शालिन की इसी हरकत की वजह से आज सलमान खान का गुस्सा वीकेंड के वाले एपिसोड के दौरान बुरी तरीके से फूटने वाला है। शालिन भनोट को सलमान खान ये तक कह देंगे कि अगर तेरा अग्रेशन कम नहीं होता है तो क्या मेरे साथ झगड़ना चाहेगा तू। इसके अलावा शालिन को ये तक धमकी देंगे कि तेरे जो अग्रेशन का भूत है, अगर तू कहे तो मैं उतार दूं उसे ठीक तरीके से। लड़कियों के सामने क्या जोश आजमाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर शालिन भनोट की इस हफ्ते भी कड़ी फटकार लगने वाली है, और शालिन भनोट एक बार फिर से अपनी गलतियों के लिए उसी तरीके से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आने वाला है। फिलहाल दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या है कहना, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।